मध्य प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री ओम प्रकाश अखलेचा सोमवार सुबह सिंगोली पहुंचे और नगर में भ्रमण कर दुकानदारों सहित आम नागरिक से दीपावली की राम राम करते हुए शुभकामनाएं दी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री ओम प्रकाश अखलेचा ने नगर की जनता से दीपावली की राम राम करने के सिलसिले को यथावत बनाए रखा। इस वर्ष ही शिवराज सरकार में मंत्री बने अखलेचा का जनता से जुड़ाव और लगाव सतत है, यह आज के इस कार्यक्रम से देखने को मिला। अखलेचा मंत्री बनने के बाद भी जनता से सीधा संपर्क बनाए हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण दीपावली के पर्व पर जनता से मिलन के समय सामने आया। मंत्री अखलेचा सोमवार सुबह 11 बजे सिंगोली डाक बंगले पहुंचे, जहां पूर्व विधायक दुलीचंद जैन, मंडल अध्यक्ष गोपाल धाकड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक सोनी, विक्रम सांसद प्रतिनिधि राजकुमार मेहता, युवा मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मनीष जैन, नगर अध्यक्ष बाबू गुर्जर, नगर अध्यक्ष निशान जोशी ने अखलेचा का गर्मजोशी से स्वागत किया। क्षेत्र में बहुत तेजी से औद्योगिक विकास होगा। मंत्री बनने के पहले ही बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था के बाद सबसे बड़ा टारगेट उद्योग ही था, क्योंकि उद्योग से कृषि आधारित फसल की कीमत भी बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और व्यापारियों को व्यापार का मौका मिलेगा। बहुत तेजी से सर, एक वो सभी शहरी क्षेत्रों में जो है पेयजल की योजना जो आई है सब जगह फेल हो गई है। 9 करोड़ की सिंगोली में लगी हुई है, लेकिन उसका न तो उसका कोई उपयोग हो रहा है, किसी काम में नहीं आ रही है। ऐसी व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाएगा? देखिए, मैं स्पेसिफिक किसी एक योजना के बारे में तो बात नहीं कर सकता आज, अगर कोई गलत होगी तो उसकी जांच में वो मरेगा। सभी लेकिन सभी में नहीं है, गलत बोल रहा हूं। नगरी क्षेत्र नहीं, नहीं, सभी नगरी में भी नहीं है। रतनगढ़ है नहीं, आप एक या दो जगह की बात कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कम से कम 10 योजनाएं चालू देख चुका हूँ। मैं भी किसी न किसी नगर पंचायत में ही रहता हूँगा, वहाँ पे भी पानी आता होगा। वहाँ पे पहले 15 दिन में पानी आता था, अठाना में पहले 8 दिन में पानी आता था, वहाँ सब हो रहा है। जहाँ व्यवस्था किसी भी कारण से बिगड़ी हुई है उसे तुरंत सुधारेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है हर घर तक 24 घंटे पानी पहुँचाने की व्यवस्था, वो हम पूरा करेंगे। काफ़ी लंबे समय से जो है शासकीय महाविद्यालय भवन अटका पड़ा है, वो उसका लोकार्पण वगैरह देखो, कॉलेज जिस दिन खुलेगा उसके पहले उसका लोकार्पण हो जाएगा। तो खुला हुआ है, आरोप नहीं लगाना चाहता, आप फिर मेरी लाइन सुन, मैं आरोप लगा सकता था कॉलेज तो खुला हुआ है ना, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। उस समय के मंत्री ने खुद मेरे को फोन करके कहा था आप करिए, लेकिन मैं किसी पर आरोप नहीं लगा। नहीं, अब तो फुल सारा कारोबारी आपके हाथ में है। मैंने अपना विषय रख दिया। सर, अभी आपने एक बात बोली थी कि मैं क्षेत्र में लूट नहीं मचने दूंगा। आपके विश्वसनीय कार्यकर्ता परमिशन के नाम से 10 से 15 हज़ार रुपए किसानों से ले रहे हैं। तत्काल महोदय, 4 दिन अभी कुल हुए ट्यूबवेल खनन में जी, वातावरण गलत बनाने में शायद कुछ ज्यादा अति उत्साही लोगों का आग्रह होगा। 4 दिन में ऐसी समस्या हो ही नहीं सकती, मैं मानता ही नहीं हूँ। और अगर कोई किसी से वसूल रहा है तो मैं उसकी नासमझी पे हंसूंगा कि 4 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता है। हमने खुले में कहा है हम नीति बनाकर 1 दिन में ख़त्म करेंगे। सूखा मेरे हाथ में नहीं है, 18 साल तक कभी कोई अतिक्रमण, कोई रुकावट नहीं रही है, अभी भी नहीं रहेगी। बात करनी पड़ेगी, सूखा पड़ा है तो उस व्यवस्था को मिल के लड़ना पड़ेगा। आपके ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके सुख चिंतकों ने इसकी जानकारी आपको दी 3 दिन पहले। ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत नेतागिरी होगी, मैं उस पर नहीं कमेंट करना। क्षेत्र में सर अतिक्रमण की लेकर बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे? शासकीय नई भूमि के अतिक्रमण को बिल्कुल रोकने के स्ट्रिक्ट आदेश है, और आप बताइए हम उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा बन रहा है, 2 लेन बन रही है, हमने काकरिया तले से उतारा है। हर चीज को अननेसेसरी क्या होता है, आज आप बोलोगे सरकारी तंत्र में समय लगता है, यहाँ तो 1 दिन में, यहाँ तो भैया शादी के पहले बच्चों की चिंता कर रहे हैं। मैंने सबकी सुनी ना, सबकी सुनता हूँ, मैं इसीलिए यहाँ बैठा हूँ।